वाला है वो मारा गया। अभी मेरे में साहब कोई दम नहीं, मैं इतना गरीब आदमी हूँ कि मेरा वो जो मेरा खत्म हो गया, अगर उसका इलाज नहीं होगा तो वो भी जाएगा। उस पार का एक आदमी इधर ही होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि जो गुजरा दिन जो है उसमें पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी शेलिंग हुई, इसमें हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में भी जो है नुकसान हुआ। और यहाँ पर आज बलनोई में मैंने जो घर जहाँ पे बेसिकली जिनका जिसमें एक डेथ हुई वहाँ पर विजिट किया और उनको सरकार की तरफ से जो फौरी तौर पर जो राहत के तौर पर एक एक्सक्रेशन रिलीफ है वो प्रोवाइड कराई गई। और इसके अलावा जो लोगों की भी जो इश्यूज़ हैं वो भी मैंने सुने, क्योंकि लोगों की डिमांड है कि जल्द से जल्द जो बंकर का काम है उसको जल्द से जल्द तामीर किया जाए। इसके अलावा भी ये क्योंकि ये हमारा बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पे नेटवर्क का इश्यूज रहते हैं तो उससे रिलेटेड भी लोगों ने बात की, तो उसको मेरी कोशिश रही है कि जल्द से जल्द उनको जो भी जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जा सके। मैं मेंढर में गया था, मुझे दांत दर्द था, दांत निकाल के मैं आया घर में तो घर में इधर कोई भी नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं था। मैंने आवाज़ दिया दाएं बाएं, कोई नहीं था। फिर मैं उस घर में गया, ये बच्चा उधर था और दो तीन आदमी और उधर थे, उसके घर वाले जो मेरा भांजा है उधर था, वो उधर में छुपा रहा है। एक घंटे के बाद जब मैंने सोचा कि मेरे घर की तरफ कोई फेर नहीं लग रहा है तो मैं अपने घर के अंदर जाऊँ और अपनी बीबी को आवाज़ मारूँ वो कहाँ है, तो एक घंटे फिर उसके बाद मैं यहाँ आया, मैंने उसको आवाज़ लगाया। ऐसे करते करते फिर उनने बोला कि भैंस को बाहर निकाल के बांध देते हैं, इसकी क्या गलती है, मुझे भूखी है ये, तो इसको बाहर निकाल के घास डाल देते हैं, मेरी मिसेस ने बोला। जब घास डाल के वो अंदर चले गए, थोड़ी देर के बाद फेर का बाद वहाँ उस साइड में हुआ, तो मुझे उन्होंने मेरी फैमिली ने दरवाज़ा खोल के अंदर घुसा दिया। फिर इनको खोलने के लिए जब आई तो उसको ये गोला लगा। उसके बाद चार घंटे तक मैं चिल्लाता रहा, मेरे सामने कोई भी नहीं आया। बच्चा अभी तो रजौरी में मेरे से बात नहीं हुई, कल से जब का गया हुआ मेरे से बच्चे की बात नहीं हुई है। जो साथ वाले वो तो बोल रहे ठीक है, लेकिन जब मैं खुद सुनूंगा तभी तो